हाय एवरीवन, आज हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में स्विंग ट्रेड कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा ये सेक्टर है और काफ़ी ग्रोथ भी है, तो हम लोग इससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि कोई भी अगर स्विंग ट्रेड सेलेक्ट करना है तो उनमें किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ये हम लोग सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें सेलेक्ट करने से पहले। तो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है और वहाँ पर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च कर लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने सर्च कर लिया है, ये फ्यूचर का चार्ट है। हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे चार्ट प्रीवियस कुछ डेज में वर्क कर रहा है, क्या क्या प्राइस यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसने यहाँ पर बैक लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये रिवर्स हुआ, वापस गया और रेजिस्टेंस को बैक करते हुए ये ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया। बट मार्केट कुछ डेज से, आपने देखा लास्ट कुछ डेज से, 4 to 5, 6 डेज से, 7 डेज से, आई थिंक लगभग 10 दिन के आसपास या 7 to 8 डेज के आसपास मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल ही किया है। तो आप कैंडल से काउंट कर सकते हैं कितने दिन तक वो फॉल हुआ है, और फिर 1-2 दिन लास्ट के कुछ दिन, 2 से 3 दिन वो रिवर्स हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर उसी का फ़ायदा उठाने वाले हैं कि जब रिवर्स हो रहा है तो कितना फॉल है और क्या ये लेने लायक अभी लेने की कंडीशन में है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके पहले प्रीवियस कभी हाई बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये देख लेते हैं चार्ट को, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, हम लोग जूम आउट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2022 तक अभी तक इस प्राइस पर पहले कभी नहीं गया है, 2022 तक यहाँ पर और लोअर प्राइस पर ही था। आई थिंक अगर हम लोग उसको वीकली चार्ट में करें, फिलहाल हम लोग अभी डे का चार्ट देख रहे हैं, 1 डे का चार्ट देख रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा इसको किसके पहले कभी इस प्राइस पर नहीं आया, जो अभी का प्राइस चल रहा है 286 रुपया, आई थिंक हाई गया है। तो इसको फिर से हम जूम आउट कर ले जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं अभी करंट प्राइस जो है वो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट देने के दे सकता है अगर हम लोग इसको परचेज करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं प्राइस रेंज लगा लेता हूँ, प्राइस रेंज लगाते हैं यहाँ पर। फिलहाल हम लोग इस टाइप को इसको साइड कर लेते हैं, जो अभी रिसेंट प्राइस चल रहा है वहाँ पर इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। और प्राइस जो भी है उस प्राइस पर आ जाते हैं, तो मानते हैं यहाँ पर हाई बना है इस वाले कैंडल का। तो ये हाई हमारा बना है अभी, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कितना परसेंट यहाँ पर जाने के चांसेस हैं, बिकॉज इस वाले हाई को तो वो टच करेगा, हिट करेगा और रिवर्स वो हो चुका है। और इसका हम लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कितना प्रॉफिट में है अभी ये बैंक। तो देख रहे हैं हम लोग को यहाँ पर 10% आपको मिनिमम परसेंट ये देकर ही जाएगा, 10% देकर ही जाएगा। तो अभी हम लोग इसका अभी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में ये बैंक हमें क्या बता रहा है, लेने लायक है या नहीं है। इसके लिए हम लोग चल जाते हैं स्क्रीनर डॉट इन पर। तो स्क्रीन डॉट इन पर जाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। स्क्रीनर पर चलेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा हमने सर्च करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर आए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं हम लोग स्विंग ट्रेड लेने से पहले। तो बैंक के सेक्टर में या फाइनेंशियल वाला जो भी सेक्टर होता है उस वाले में हम लोग आरओई देखते हैं। तो आरओई 10 के प्लस है तो सफिशेंट है, तो यहाँ पर 15% ऑलरेडी दे रहा है। बुक वैल्यू जो है 203 है और करंट प्राइस 260 है, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। हाँ, 50-60 का डिफरेंस है, बट डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ये नहीं है, ठीक है। बट उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती है वो करंट प्राइस तो वैल्यू बढ़ता ही चला जाता है। तो फिर भी यहाँ पर नज़दीक में है ये हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग पीयर कंपैरिजन करेंगे तो पीयर कंपैरिजन में ये 3rd नंबर पर बैंक है। और यहाँ पर जब हम लोग इसके जब इसका पी रेशियो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो मीडियन यहाँ पर दिख रहा है आपको 10 के आसपास, 10.6 है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का 7.11 है, मतलब 7.11 है। तो अप्रॉक्स कम ही है हमें, मतलब सस्ता ही मिल रहा है, मतलब करंट जो प्राइस है वो लेने के जोन में है, ये तो यहाँ से हमें दिख रहा है। उसके बाद अब जब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जब देखते हैं तो प्रॉफिट में ही है। मान लीजिए कि मार्च 2022 से देख रहे हैं तो रेवेन्यू जो है कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज ही कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही कर रहा है, रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। और इसका जब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट देखते हैं, मान लीजिए तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये भी
यहाँ से इंक्रीज़ ही किया है, थोड़ा सा यहाँ पर फॉल हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट किसी क्वार्टर में कम भी होता है, किसी क्वार्टर में ज़्यादा भी होता है, तो उससे डिपेंड नहीं करता, हम लोग फिर ईयरली देख लेंगे इसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4,468 करोड़ है, 4,426 करोड़ है, या 4,815 करोड़ है। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है। अब इसको हम लोग ईयरली देख लेते हैं, ईयरली में क्या दिख रहा है आपको। ईयरली में हमेशा इंक्रीज़ करता हुआ दिखेगा। 2020 में ये 78,000 था, फिर 2021 में 74 हुआ, 2022 में 73 हुआ, फिर 2023 में 94 हो गया, और 12 ट्रेलिंग 12 मंथ का जब हम लोग प्रॉफिट देख रहे हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ का जब रिवेन्यू देख रहे हैं, तो रिवेन्यू ये आपको 1 लाख क्रॉस कर गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, हल्का डिक्रीज़ हुआ 78 के बाद, बट फिर से वो रिवर्स हो गया, फिर से 94 हो गया, और फिर 1,14,000 आपको करोड़ का रिवेन्यू हुआ है। अब प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट क्या है। तो इस वाले बैंक वाले सेक्टर में क्या होता है कि अदर इनकम से ही प्रॉफिट ज़्यादा होती है, इसलिए कहीं कहीं आपको निगेटिव दिख सकता है, बट हम लोग फिलहाल नेट प्रॉफिट पर ही हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1,600 है ये, फिर हो गया 7,900 हो गया, फिर 15,000 हो गया, और फिर 19,000 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया। मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ से फिर इंक्रीज़ ही कर रहा है नेट प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा निगेटिव था, बट वहाँ से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग अभी रिसेंटली 2 to 3 ईयर्स का देखेंगे। तो ये पॉजिटिव में ही बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट में है कंपनी, कंपनी में कोई इशू नहीं है। अब फिर हम लोग देख लेते हैं CAGR, लास्ट का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इसका क्या है। वो लास्ट 1 ईयर का दिख रहा है 63% ये हमें ग्रोथ रेट दिया है, तो CAGR भी इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, तो बोरोइंग इसका रिवेन्यू जो है, रिवेन्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, और साथ ही बोरोइंग भी इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज बैंक है तो बैंक में तो बोरोइंग इंक्रीज़ ही करता है, इसलिए वो इशू ज़्यादा नहीं है। अब हम लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग ज़्यादातर फोकस जो करते हैं FIDI पे करते हैं, और पब्लिक पर करते हैं कि कितना परसेंट पब्लिक है और कितना FIDI है। तो FIDI का भी परसेंटेज अच्छा है और इंक्रीज़ ही कर रहा है, वो हर साल इंक्रीज़ कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर का परसेंटेज हर साल इंक्रीज़ कर रहा है, उसी तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली 2021 से लेकर हम देख रहे हैं हर एक क्वार्टर में कभी इंक्रीज़ किया कभी डाउन किया है, मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं अभी तक वो कॉन्स्टेंटली है 14.65 से लेकर 15.75, 1% 2021 से 2023 तक इंक्रीज़ ही किया है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में देखते हैं, पब्लिक सेक्टर में 7.76 और बाकी प्रमोटर्स के पास इतना है। तो पब्लिक सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा रहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा भी पब्लिक सेक्टर के पास रहता है तो इशू है, इसलिए सफिशेंट है। और FIDI इसमें इंटरेस्टेड भी है, इसलिए ये जो हम लोग कंपनी अभी देख रहे हैं, जो बैंक देख रहे हैं, वो अच्छी बैंक है, इसके प्रॉफिट में भी है ये। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखे तो हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा है। उसके बाद पी रेशियो भी हमने देखा तो वो भी अंडर वैल्यू मिल रहा है, मीन्स 10 है तो हमें 7 पे ही मिल रहा है। CAGR इसका भी देख लिया हम लोग 1 ईयर का, तो 63%, अगर 1 साल पहले आपने इसमें पैसा लगाया होता तो आपका 63% इसमें ग्रोथ हो गया होता, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और अभी जो प्राइस पे ये मिल रहा है, मार्केट डाउन होने की वजह से अभी हमें करंट प्राइस जो है वो 10% का प्रॉफिट मिनिमम देकर ही जाएगा। अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो ज़्यादा भी दे सकता है, बट हम लोग अगर मिनिमम टारगेट 10% भी रखें तो 10% आसानी से हम लोगों को मार्केट रिवर्स अगर नेक्स्ट वीक में रहता है, अगर मतलब पॉजिटिव बुलिश रहता है, मतलब पॉजिटिव साइड में रहता है, तो आराम से ये 10% आपको देकर ही देकर जाएगा। इसलिए आप खुद से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, और मार्केट अगर बुलिश साइड है, मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपका डिसीजन होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो मैंने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी कर दिया और फंडामेंटल एनालिसिस भी कर दिया है। तो ये स्टॉक अभी फिलहाल करंट में मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 10% का टारगेट सियोर शॉर्ट टारगेट हमें देगा, और काफ़ी कम टाइम में ही दे देगा, बिकॉज ये कम टाइम में ही गिरकर रिवर्स हो गया है, रिवर्स हुआ है तो काफ़ी कम टाइम में दे देगा। अगर मान लीजिए कि 1 वीक में या 10 दिन में भी 10% देता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है ये। तो ठीक है, यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी और स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस करना चाहें तो आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।